ओके सो किड्स वी हैव ऑलरेडी डन इनफॉर्मल लेटर्स. इनफॉर्मल लेटर्स कौन सी होती हैं? जो हम अपने फ्रेंड्स को लिखते हैं, रिलेटिव्स को लिखते हैं या फिर अपने किसी नॉन पर्सन को लिखते हैं, तो उसमें हम इनफॉर्मल लैंग्वेज यूज़ करते हैं. मतलब हम हाय हेलो फ्रेंड्स वगैरह के तरीके से उस तरह से बात करते हैं. लेकिन आज हम जो करने जा रहे हैं दिस इज आर फॉर्मल लेटर. ओके सो दीज आर फॉर्मल लेटर्स. फर्स्ट इज फॉर टू प्रिंसिपल. यू आर राइटिंग लेटर टू द प्रिंसिपल फॉर स्पेशल कोचिंग. आपने प्रिंसिपल को लेटर लिखनी है. आपकी डिफरेंस अभी आपको मैंने बताया डिफरेंस क्या होता है फॉर्मल और इनफॉर्मल का. इनफॉर्मल लेटर्स आर रिटन फॉर द फ्रेंड्स और रिलेटिव्स और आर नोन पर्संस. और जो फॉर्मल लेटर्स होती हैं वो हम किसी अपने से बड़े को लिखते हैं या फिर ऑफिशियल अथॉरिटीज को लिखते हैं. जैसे हम यहाँ पे लेटर लिख रहे हैं प्रिंसिपल को, या हमने किसी नगर पालिका को लेटर लिखा, या हमने गवर्नमेंट को लिखा, या फिर हमने किसी पर्टिकुलर ऑफिसर को लेटर लिखा. ठीक है, तो आज हम ये जो लेटर करने जा रहे हैं दैट इज फॉर प्रिंसिपल. वी आर राइटिंग लेटर टू द प्रिंसिपल फॉर स्पेशल क्रॉस स्पेशल कोचिंग. यू आर कुणाल ऑफ सेवन स्टडिंग इन बाल भारती मॉडल स्कूल रायपुर. योर स्कूल हैज बीन सिलेक्टेड टू पार्टिसिपेट इन इंटर स्टेट टूर्नामेंट्स. इन ऑर्डर टू मीट द चैलेंजेस रिक्वेस्ट योर प्रिंसिपल टू अरेंज फॉर स्पेशल कोचिंग इन सम गेम्स ड्यूरिंग द समर वेकेशन. आप है कुणाल सेवेंथ क्लास के बाल भारती मॉडल स्कूल. आपके स्कूल का नाम भी दे दिया, रायपुर स्टेट सिटी का नाम भी दे दिया, और आपका जो स्कूल है वो इंटर स्टेट टूर्नामेंट उसके लिए इंटर स्टेट टूर्नामेंट के लिए सेलेक्ट हुआ है. मतलब आपने कॉम्पिटिशन खेलने के लिए जाना है. और इन ऑर्डर टू मीट द चैलेंजेस मतलब आपको जो वहाँ पर चैलेंजेस होंगे, मतलब जो आपकी टीम्स वगैरह होंगी सामने, उनसे आपको यू कैन से फाइट करने के लिए या जीतने के लिए आप अपने प्रिंसिपल को रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि आपके लिए स्पेशल कोचिंग अरेंज कर दे समर वेकेशन के टाइम पे. तो आप किस तरह से ये लेटर शुरू करेंगे? दिस ऑल गैपिंग एंड ऑल यू हैव टू टेक केयर एज इट इज द प्रिंसिपल बाल भारती मॉडल स्कूल रायपुर. ये आपने तीन लाइन्स में कॉन्जिक्यूटिवली यू हैव टू राइट दीज ऑल थ्री फुल. आपका जो एड्रेस है द प्रिंसिपल बाल भारती मॉडल स्कूल रायपुर, देन यू हैव टू गिव वन लाइन गैप. आफ्टर दिस वन लाइन गैप देन यू विल राइट टूडेज डेट, देन अगेन वन लाइन गैप. इसके बाद फिर दोबारा वन लाइन गैप, देन यू विल राइट द सब्जेक्ट. सब्जेक्ट हम क्यों लिखते हैं? क्योंकि हम जिसके लिए लेटर लिखने जा रहे हैं, जो भी हमारा फॉर्मल पर्सन है या फिर जो हमारा ऑफिशियल पर्सन है, दैट पर्सन आर यूजली सो बिजी दे डोंट रीड द लेटर प्रॉपरली. तो सब्जेक्ट के अंदर हमारा जो है वो कंटेंट क्लियर हो जाना चाहिए दैट विच काइंड ऑफ लेटर वी आर गोइंग टू राइट. सो हेयर वी आर राइटिंग रिक्वेस्ट फॉर अरेंजमेंट ऑफ स्पेशल कोचिंग. हम यहाँ पर रिक्वेस्ट कर रहे हैं अपने प्रिंसिपल से कि आप हमारे लिए स्पेशल कोचिंग अरेंज कर दो. देन अगेन वन लाइन गैप एंड देन सर. हेयर यू आर हैव मैम, देन यू कैन राइट मैम ऑल्सो. ठीक है, तो हम कैसे लिखेंगे? योर वर्दी ऑनर इज वेल अवेयर दैट आर स्कूल टीम्स ऑफ क्रिकेट एंड फुटबॉल हैव बीन सेलेक्टेड टू प्ले फॉर द इंटर स्टेट टूर्नामेंट. योर वर्दी ऑनर, ऑनर मतलब आपकी, मैं बोल रही हूँ आपको रिक्वेस्ट करते हुए या फिर आपको रिस्पेक्ट देते हुए, मैं ये कहना चाहती हूँ कि आप ये भली भांति जानते हैं, अच्छी तरीके से जानते हैं कि जो हमारी टीम्स हैं क्रिकेट और फुटबॉल की वो सेलेक्ट हो गई हैं इंटर स्टेट टूर्नामेंट्स के लिए. द गेम्स विल बी प्लेड बाय आर स्कूल ग्राउंड्स इन आर स्कूल ग्राउंड इन द लास्ट वीक ऑफ जुलाई. ये जो गेम्स होंगी वो हमारे स्कूल ग्राउंड में खेली जाएंगी जुलाई के लास्ट वीक में. दो आर, अब ये क्या हो गया, नेक्स्ट टेंडर शुरू हो गया. दो आर प्लेयर्स आर वेल ट्रेन्ड येट इट इज वेरी मच एसेंशियल दैट स्पेशल कोचिंग बी अरेंज ड्यूरिंग समर वेकेशन. मतलब वैसे तो हमारे जो प्लेयर्स हैं वो वेल ट्रेन्ड हैं, मतलब वो पूरे तरह से वो रेडी हैं, लेकिन येट मतलब लेकिन इट इज वेरी एसेंशियल दैट स्पेशल कोचिंग बी अरेंज ड्यूरिंग द समर वेकेशन. ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम समर वेकेशन के टाइम पर उनके लिए एक स्पेशल कोचिंग अरेंज कर दें. दिस विल प्रोवाइड अस मोर चांसेस ऑफ शोइंग आर परफॉर्मेंस. इससे क्या होगा, अगर आप कोचिंग हमें प्रोवाइड कर देंगे हम अपनी परफॉर्मेंस को और ज्यादा अच्छे से दिखा पाएंगे. सिंस हार्ड वर्क ऑनेस्ट लेबर एंड कॉन्स्टेंट प्रैक्टिस आर द की ऑफ रिवार्डिंग सक्सेस. क्यों? क्योंकि जितना हार्ड वर्क किया जाए, जितने अच्छे तरीके से, जितनी ईमानदारी से लेबर मतलब मेहनत की जाए, कॉन्स्टेंट प्रैक्टिस लगातार प्रैक्टिस की जाए, उससे क्या होगा, दैट आर द कीज मतलब वो ही मेन चीजें हैं जिससे हम सक्सेस पा सकते हैं. इफ दे डिसकंटिन्यू देयर प्रैक्टिस ड्यूरिंग द हॉलीडेज इट मे एडवर्सली अफेक्ट आर ऑनर. अगर जो हमारी टीम के मेंबर्स हैं उन्होंने प्रैक्टिस जो है डिसकंटिन्यू कर दी, मतलब कॉन्टिन्यू मतलब लगातार, डिसकंटिन्यू मतलब छोड़ दी, आपने लगातार प्रैक्टिस नहीं की, तो हॉलीडेज के अंदर
इट में एडवर्सली मतलब उल्टा इफेक्ट कर देगी हमारे ऑनर को, मतलब हमारी जो स्कूल है उसकी इज्जत पर एक उल्टा इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि अगर हम हार गए तो ऑब्वियसली हमारा कोई नाम नहीं होगा, तो इसलिए हमें ये प्रैक्टिस जरूर करनी चाहिए. सो आई रिक्वेस्ट यू टू मेक अरेंजमेंट फॉर स्पेशल कोचिंग ड्यूरिंग द समर वेकेशन फॉर बोथ द गेम्स. सो इसलिए मैं रिक्वेस्ट करता हूँ आपको कि आप प्रॉपर अरेंजमेंट कर दें स्पेशल कोचिंग क्लासेस के लिए समर वेकेशन के दौरान फॉर बोथ द गेम्स, दोनों गेम्स के लिए. आर स्पोर्ट्स कोच मे काइंडली बी रिक्वेस्टेड टू हेल्प द प्रैक्टिस सेशन. हमारे जो स्पोर्ट्स कोच हैं वो उनको आप जरूर बोलिए कि वो हमारा प्रैक्टिस सेशन जरूर लें. थैंकिंग यू एट लास्ट, आपने थैंक यू कर दिया, फिर आपने गैप दिया, देन यू आर ओबीडियंटली आपने फिर नाम लिख दिया अपना कुणाल और नीचे स्पोर्ट्स कैप्टन एंड देन योर सिग्नेचर. ठीक है, सो दिस इज अ सिंपल बेसिक फॉर्मेट ऑफ योर फॉर्मल लेटर. ठीक है, जिस तरह से इन्होंने गैपिंग दे रखी है उसी तरह से आपने गैपिंग करनी है, और जिस तरह से उन्होंने रिस्पेक्ट देके हर एक लाइन को इस तरह से बोला गया है, इसमें कोई इनफॉर्मली हम कोई हाई हेलो या फिर इस तरह से कुछ नहीं पूछते हैं, डायरेक्ट हम टू द पॉइंट बात करते हैं. ठीक है, तो ये हमारी है लेटर टू द प्रिंसिपल फॉर स्पेशल कोचिंग. तो इसी तरह से हमारी बाकी जो लेटर्स हैं, जैसे राइट अ लेटर टू द एडिटर ऑफ लोकल न्यूज़पेपर voicing your concern about the growing crimes in area. मतलब आप लोकल न्यूज़पेपर चैनल को, आप एक एडिटर को अपने लेटर लिखिए और उनको ये अवेयर कराइए कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा क्राइम्स बढ़ रही हैं, ताकि वो अपने न्यूज़पेपर के माध्यम से अपने कुछ इस तरह की न्यूज़ डाले और उससे हमारे यहाँ पे क्राइम्स कम हो सके. तो इस तरह की ये लेटर है एक. एक है जैसे ऑन बिहाफ ऑफ योर क्लासमेट्स राइट अ लेटर टू रिक्वेस्ट योर प्रिंसिपल टू अरेंज एक्स्ट्रा कोचिंग क्लास. वहाँ पर एक्स्ट्रा स्पोर्ट्स क्लास थी, यहाँ पर एक्स्ट्रा कोचिंग क्लास है. सेम वही लेटर चलेगी, लेकिन थोड़ा सा आप उसमें कोचिंग क्लासेस का ऐड कर देंगे इंस्टेड ऑफ गेम्स. ऐसे ये पोस्ट मास्टर को लेटर है कंप्लेनिंग अबाउट द इरेगुलर डिलीवरी ऑफ योर लेटर्स. मतलब आप जो आपकी जो लेटर्स हैं वो प्रॉपर टाइम पर नहीं आ पाती हैं. तो इस तरह की जो लेटर्स हैं ये सारी फॉर्मल लेटर्स हैं. तो आपने ये थोड़ा थोड़ा ट्राई करना है, अगर आपसे हो पाए तो, अदरवाइज आई विल सेंड यू. और अभी आपने जो लर्न करनी है कल के लिए लेटर, दैट इज लेटर टू द प्रिंसिपल फॉर स्पेशल कोचिंग.